कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन से, फेडरेशन ने, अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का, आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तुम्हारा खोटा सिक्का है। अगर हम यहाँ पे एक महीने में एक बार वजन घटाते हैं, उसके बाद जाके इंटरनेशनल टूर्नामेंट में दोबारा से वजन घटाते हैं, अगर हम फाइनल में जाते हैं तो तीसरी बार अगले दिन भी हमें वजन दिखाना होता है। अगर कोई भी इंसान एक बार वजन घटा के महीने में 3 बार वजन घटा के कोई परफॉर्मेंस दे के दिखा दो, हमारे को आगे बोल देना कि आप गलत थे। उत्तर प्रदेश के सियासत के बाहुबली और पहलवान बृजभूषण एक बार फिर से विवादों में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कभी अपने बयानों के लिए तो कभी अपनी दबंगई के लिए चर्चा में रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बृजभूषण विवादों का हिस्सा बने हैं। फहरिस्त पुरानी और जरा लंबी है। बृजभूषण शरण सिंह के विवादों की बात करें तो एक तरफ कट्टर राम भक्त और राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में रहे हैं, यही वजह है कि बाबरी ढांचे के विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी के साथ जिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। उनको विवादित ढांचा विध्वंस के मामले में आरोपी बनाया गया था। हालांकि सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। बृजभूषण शरण सिंह का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी बताया जाता है और टाडा एक्ट में वो जेल भी जा चुके हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बहनों इब्राहिम कस्कर की हत्या करने वाले अरुण गवली गैंग के शूटर शैलेश हालदनकर और विपिन की जिन शूटर ने हत्या की थी उनको शरण देने का आरोप बृजभूषण शरण पर ही है। हालांकि सीबीआई ने जांच में बृजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी थी और कोर्ट से भी बृजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी हो गए थे। बृजभूषण शरण सिंह पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री विनोद सिंह उर्फ पंडित सिंह पर जानलेवा हमले का भी आरोप है। 1993 में गोंडा के नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र में हुए इस जानलेवा हमले के मामले में भी कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। कहा गया है कि इस केस में मुख्य गवाह पंडित सिंह कभी गवाही देने पहुंचे ही नहीं और बृजभूषण शरण सिंह ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। 2014 में बृजभूषण शरण सिंह पर अयोध्या के राम जन्मभूमि कोतवाली में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट लगाई और निचली अदालत ने नोटिस भी जारी किया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने इस मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पुलिस की पूरी कार्रवाई को चुनौती देते हुए कहा कि सरकारी आदेश की अवहेलना के मामले में सीधे FIR नहीं हो सकती, सरकारी अधिकारी सिर्फ परिवारवाद दायर कर सकता है। मामले की सुनवाई करने के बाद जुलाई 2022 में ही हाई कोर्ट में जस्टिस DK सिंह की बेंच ने केस को ही रद्द कर दिया। आपराधिक इतिहास की बात करें तो साल 2019 में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के अनुसार उन पर 4 मामले दर्ज हैं, लेकिन किसी में भी सजा नहीं सुनाई गई। इन 4 मामलों में एक मामला अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस का था जिसे CBI की स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरा मामला गोंडा के नवाबगंज कोतवाली में हत्या के प्रयास का दर्ज था जिसमें सपा के पूर्व विधायक पंडित सिंह ने FIR दर्ज करवाई थी, लेकिन कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद तीसरा मामला राम जन्मभूमि अयोध्या कोतवाली में सरकारी आदेश की अवहेलना का दर्ज कराया गया था जिसे हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया। अब सिर्फ एक मामला सरकारी अधिकारी को बंधक बनाने का है जो फिलहाल लंबित है। वहीं मंच पर एक खिलाड़ी को थप्पड़ मारने के बाद भी बृजभूषण सिंह चर्चा में आ गए थे। हाल ही में सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक खिलाड़ी को मंच पर ही थप्पड़ मारते हुए वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। रांची में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने एक युवा पहलवान को थप्पड़ जड़ दिया था। रांची के खेल गाँव के शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन प्रतियोगिता के दौरान ये घटना हुई थी। अब ऐसे में देखना होगा कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ खिलाड़ियों के प्रदर्शन का अंजाम क्या होता है, लेकिन सवाल बड़े हैं और उलझे भी हैं। क्या इस मामले में भी आरोपों से मुक्त हो जाएंगे बाहुबली नेता, या फिर इस बार अंजाम कुछ मुख्तलिफ और असरअंदाज होगा।